कहते हैं कि अगर अपनी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो वो किसी धर्म से कम नहीं होता, लेकिन आज का ये दौर ऐसा है कि लोग आपस में ही एक दूसरे की खिलाफत करते हैं। ना ही कोई किसी को खुश देखना चाहता है और ना ही कोई किसी से मतलब रखना चाहता है। ऐसी ही दुनिया के लिए मिसाल बन गए हैं प्रवीण तुलफुले। जी हाँ, 17 साल तक इंडियन नेवी में सेवा देने वाला ये शख्स अब जोकर बने घूमता है और लोगों को हंसी बांटता है। वो जोकर के गेटअप में बिल्कुल मुफ्त में हंसाने का काम करते हैं और उन बच्चों को जीवन में खुशियां बिखेरते हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं। कभी नेवी में अफसर के पद पर रह चुके प्रवीण कैंसर के दर्द से कराह रहे इन बच्चों को हंसाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। वो जोकर बनकर अस्पतालों में जाते हैं, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चों को जादू दिखाते हैं और उनका मनोरंजन कर उनके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। हालांकि इस काम को शुरू करने से पहले उनके साथियों और उनके पिता ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये एक अच्छी सोच का नतीजा ही था कि वो अपने फैसले पर टिके रहे और अब तक वो 4000 से ज्यादा शोज कर कैंसर पीड़ितों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आज बच्चे उन्हें हैप्पी अंकल के नाम से जानते हैं। तो देखा, ऐसे दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को एक बेहतर और अच्छे इतिहास से रचना चाहते हैं। तभी कहा जाता है कि अच्छे और मजबूत इरादों वाले लोग अक्सर दुनिया के लिए एक अनोखी मिसाल बन जाते हैं। अब आपको प्रवीण तुलफुले की कहानी कितनी पसंद आई, आप अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करें। NMF न्यूज की रिपोर्ट।